नमस्कार दोस्तों, सुमन एसटीवीडियो चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कुछ नया आपके सामने पेश करते हैं। हिंदी सिनेमा में कपूर खानदान काफ़ी लंबे समय से अपनी पकड़ बनाए हुआ है। कपूर खानदान के पहले सुपरस्टार पृथ्वीराज कपूर थे, जिन्हें फिल्म इंडस्ट्री के पापा जी के नाम से भी पुकारा जाता था। बचपन से ही एक्टिंग के शौकीन पृथ्वीराज अपने चाची से आर्थिक मदद लेकर सपनों की नगरी मुंबई आए थे। उन्होंने 1930 में एक्टिंग में कदम रखा और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज हम इस लेजेंडरी एक्टर के जन्मदिन पर उनके द्वारा निभाए गए आइकॉनिक रोल्स के बारे में बताने जा रहे हैं। 1950 में रिलीज हुई फिल्म दहेज का किरदार ठाकुर के रूप में है। इसी तरह आपकी बहन पर हमला करता तो आप क्या करते? क्या आप मुस्लिमों की तरह आंखें बंद कर लेते? 1960 में लॉन्च हुई दूसरा किरदार है सम्राट अकबर के रूप में फिल्म मुगल ए आजम का। अंधेरे और बढ़ा दिए जाएंगे, आरजूएं और बढ़ जाएंगी, और बढ़ती हुई आरजूओं को कुचल दिया जाएगा। फिल्म आवारा किरदार जज रघुनाथ। बिन बुलाए आपके घर आज हमका चोर नहीं तो आपके? जी नहीं, ये तो बहुत अच्छा किया आप आए। उस दिन आपने मुझ पर इतना एहसान किया। 1941 फिल्म सिकंदर किरदार अलेक्जेंडर। फतह है जो आज की फतह और नुसरत में शरीक नहीं, मगर उनकी रूह है मौत के तारीख पर्दे के पीछे से हमारी खुशी देख रही है और देख देख कर खुश हो रही हूँ। फिल्म कल आज और कल किरदार दीवान बहादुर कपूर सन 1971। फिल्म आलम आरा किरदार आदिल। फिल्म विद्यापति 1937 किरदार राजा सेवा सिंह। कौन सा अपराध किया है इसने? कौन सा अपराध किया है? पीताम्बर, तुमने कौन सा अपराध किया? बोलो ना, चुप क्यों हो गए? बोलो ना।